असलकम कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे आज व्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं सैरी से इफतारी तक इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने दिन भर की रूटीन तो इफतारी में मैं बना रही थी आलू के पराठे आलू का जो मसाला है वो मैंने रात को तैयार करके रख दिया था तो यहाँ पर जिस तरह बच्चे फरमाइश करते हैं कि मामा हमें ये बना दें हमें ये बना दें तो उसके मुताबिक जो है मैं रात को जो है ना थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ पिछली वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि इतना हैवी नाश्ता हालांकि मैंने आपको उसमें दिखाया था कि मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए हैं अपने लिए सादा रोटी बनाई है तो बच्चों को तो इस उम्र में हम लोग जो है ना नहीं करवा सकते ना परहेज वगैरह जो वो खाते हैं या फिर जिस चीज़ की वो फरमाइश करते हैं मैं उनको बना के देती हूँ तो ऐसा नहीं है कि जो है ना हम अभी से बच्चों को परहेज़ करवाना शुरू कर दें अभी काफ़ी जिंदगी पड़ी है परहेज़ के लिए तो यहाँ पे नाश्ता जो है मेरा बन के तैयार हो गया था ये देखिए इतने मज़ेदार आलू के पराठे बने हैं तो इसी तरह से एक एक करके मैं सारे बना लूँगी तो चाय मैं आज मैंने लस्सी वगैरह नहीं बनाई सिर्फ जो है ना चाय बनाई है चाय के साथ ही हम सैरी करेंगे सैरी करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी मैं साढ़े ग्यारह तकरीबन बारह बजे तक उठ जाती हूँ नॉर्मल जो घर के काम है आम रूटीन के वो करती हूँ तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही थी कि ये पुदीना पहले मैंने एक दफ़ा कट किया है तो उसकी जो, जो, जो सॉस वगैरह बना के तो मैं फ्रिज में फ्रीज कर ली थी अब ये दोबारा से ना माशा इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं तो आज दिल था कि मैं ना शाम को बिरयानी बनाऊँ तो मेरे बड़े बेटे को बिरयानी बहुत पसंद है तो जब से रोजी आए ना तो पहले हमने नहीं बनाई पुलाव वगैरह बनता रहे पकौड़े समोसे रोल्स वगैरह तो आज मैंने सोचा कि मैं ना बिरयानी बना लेती हूँ काफ़ी दिनों से जो बड़ा बेटा ना वो भी बोल रहा था तो मैं सबसे पहले चिकन मेरीनेट करके रख दूँगी इसमें मैंने लिया हाफ़ के जी थोड़ा ज़्यादा चिकन है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है खुश्क धनिया और जीरा डाला था मैंने साथ में मैंने हल्दी डाली है कुटी लाल मिर्च और बिरयानी मसाला तो इसको मैंने नेट करके रख दिए तो ये अपना तकरीबन दो घंटे पढ़ा रहेगा आराम से फिर मैंने पढ़ी सी जोर की नमाज उसके बाद क़ुरान वगैरह पढ़ा जी तो अब यहाँ पे हो चुके हैं साढ़े तीन टाइम इफ्तारी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिए सबसे पहले मैं बनाऊँगी आज बिरयानी उसके लिए मैंने प्याज ब्राउन कर लिए तो जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया इसमें से कुछ प्याज मैंने अलग कर लिए थे तो जहाँ भी चिकन जो है ना उसको हमने तीन चार मिनट अच्छी तरह से तेज आंच पे फ्राई करना है तो चावल मैंने पहले ही भुगो के रख दिए थे साथ ही मैंने पानी चढ़ा दिया है चावल बॉईल करने के लिए तो इसको तीन चार मिनट हो चुके हैं अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर दो बड़े साइज के दो तीन डालेंगे इसमें हरी मिर्ची तो इसको हम बनाएंगे कोरमा सा क्योंकि मसाले तो मैंने वैसे ही सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसमें नमक डाला है नहीं डाला बिल्कुल याद नहीं आ रहा था तो मैंने अल्लाह का नाम तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया क्योंकि अब रोज़ा वगैरह तो चख नहीं सकते तो यहाँ पे साथ मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हैं इसमें मैंने डाला था हरा धनिया पुदीना ज़ीरा तो इससे मैं चावल बॉयल करती हूँ तो ये चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं जो बिरयानी के ऊपर डालेंगे इसको बोलते हैं बिरयानी की लाजमात तो कौरमा भी मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया था चलिए अब मैं लगाती हूँ बिरयानी की लेयर्स तो पहले मैंने थोड़े से डाले हैं पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था एक चावल की तय लगाई है साथ ही मैंने डाला कौरमा और कुछ थोड़ी चीज़ें प्याज टमाटर और लेमन वगैरह तो थोड़ा सा मैंने ले... कलर डाला था उसमें फूड कलर अब इसी तरह से हम दूसरी इसकी तय लगाएंगे बिरयानी देख के ना तो अब दोबारा से भूख लगना शुरू होगी तो वॉइस ऑफर जो है ना मैं हमेशा जो है ना सारी के बाद करती हूँ एंड पे मैं इसमें डालूंगी सबस धनिया और पुदीना तो इसको मैंने लगा दिया था दम ये दस पंद्रह मिनट अब दम पे रहेगा बिल्कुल स्लो आंच पे तो साथ ही मैंने कोडे फ्राई करने लिए रख दिए ये आज मैंने मंगवाए थे रंगीन पापड़ जो नहीं होते के चेक करते हैं ये किस तरह बनते हैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं तो वो माशा इतना ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं पापड़ भी यहाँ पे मैंने फ्राई कर दिए साथ ही हम अब करेंगे पकौड़े फ्राई यहाँ पे मैं शेक बनाई एप्पल और बनाना का तकरीबन तो दस से बारह मिनट हो चुके थे मैंने कहा कि एक दफा चेक कर लेती हूँ चावल अलहदुल्ला रेडी है लेकिन जो है ना सारा मैं इसका जो है दम नहीं खोलूंगी तो फिर जो है ना वो ठंडे हो जाएंगे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तमाम चीजें जो है ना तारी से बीस मिनट पहले तैयार करके रख ली थी तो बात आज बिरयानी बनी है तो सुबह शहरी में फिर थोड़ा सालन नहीं होगा तो मसला बन जाएगा तो मेरे हस्बैंड जो है वो फ्राई जो है ना अंडा नहीं खाते तो फिर यहाँ मैं बना रही थी थोड़ा सा आलू और गो, गोश्त का सालन बना रही हूँ मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया था साथ ही मैंने इसमें डाला चिकन चिकन, चिकन को भी मैंने दो तीन मिनट भून लिया साथ डालेंगे इसमें आलू ये जो सालन है दिन भर चल जाएगा क्योंकि छोटा जो मेरा बेटा है ना वो अभी तकरीबन है सात आठ साल का तो वो भी रोज़ा नहीं रखता गाही बात तो उसको भी दिन में खाना वगैरह होता है तो फिर मैं लाजमी जो है ना जब सालन ना हो तो बना के रख देती हूँ तो पहले हम करेंगे इफ्तारी तो उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना यहाँ पे पानी वगैरह मैंने इसमें डाल दिया जितना आप जो है ना इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं अब ये हल्का हल्का पकता रहेगा हम करेंगे इफतारी इफ्तार में अब बस जो है ना कुछ मिनट बाकी है तो इफ्तारी यहाँ पे हम लोग निकाल ली थी इसकी आंच मैं हल्की करके गई थी तो सालन मेरा तैयार है इसमें मैंने डाला गर्म मसाला हरी मिर्ची तो सब ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी मैंने साथ में लगा दिया था खाना अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अल्लाह हाफिज़